हेलो इंजीनियर्स, माय कॉर्पोरेट इंजीनियर वांशु कुमार, स्वागत है आपका द सिविल गुरु जी द सिविल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में। आज देख रहे हैं हमारे ट्रेन इंजीनियर यहाँ पे कुछ परफॉर्म करने आए हैं। आज इनका सर्वेइंग का पहला दिन है। आज इन्होंने क्या क्या सीखा सर्वेइंग के बारे में एक एक करके अपने इंजीनियर के साथ जानेंगे। आइए मिलते हैं सबसे पहले इंजीनियर के साथ और जानते हैं कि आज उन्होंने आज की क्लास में क्या क्या सीखा है। तो हेलो, आपका नाम क्या हुआ? हेलो सर, मेरा नाम दिनेश कुमार है और मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। यहाँ मैं सिविल गुरु जी के मोहाली सेंटर में ऑफलाइन ट्रेनिंग करने आया हूँ। ठीक है, आज की क्लास में आपने क्या क्या सीखा? आज की क्लास कौन सी थी आपकी? आज की क्लास सर हमारी सब फर्स्ट क्लास थी सर्वेइंग की। ओके। उसमें हमने सर्वेइंग के बारे में जाना कि सर्वेइंग क्या होता है, किस तरह से करते हैं, मीन सी लेवल, रिड्यूस लेवल, बेंचमार्क और जो ऑटो लेवल है उसके पार्ट्स के बारे में जाना। चलो, और स्टाफ के बारे में जाना, किस तरीके से हम लोग रीडिंग लेते हैं। यस सर, स्टाफ क्या होता है? स्टाफ का लिस्ट काउंट, स्टाफ का लिस्ट काउंट होता है 5 mm सर। 5 mm होता है। सर, सर्वेइंग के बारे में आपने जाना, तो सर्वेइंग क्या होता है कैसे आप बताना चाहोगे? सर, अगर हम आसान लैंग्वेज बोलें तो ये इट इज़ द कलेक्शन ऑफ डाटा होता है। ओके, एग्जाम्पल ले हम सर, जैसे हमारे घर में कोई फंक्शन है, उसमें हम कितने लोगों को बुलाएंगे, कितना खाना बनाएंगे, उसकी जो लिस्ट होगी उसको जो डाटा बना वो एक टाइप का सर्वे ही है। एक टाइप का सर्वे, सर्वे आप कॉलेज जाते हो तो कॉलेज में देखते हो कैंपस फैकल्टीज, है ना। तो अगर हम सिविल इंजीनियर के टर्म में बोले तो कैसे बोलेंगे? सर, इट इज द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशन बिटवीन टू पॉइंट्स। ये आपका अबव द अर्थ हो सकता है, ऑन द अर्थ हो सकता है, या फिर बीनीथ द अर्थ हो सकता है। ओके, यस सर। तो इसमें क्या फाइंड करते हैं बेसिकली? इसमें हम उसके बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या फिर वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ओके, मतलब इसमें क्या है ना कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से हम इसका डायरेक्शन और डिस्टेंस का पता करते हैं। यस सर। उसके बाद आपने क्या चीज जाना? उसके बाद हमने मीन सी लेवल के बारे में, क्या होता है मीन सी लेवल? मीन सी लेवल सर, हमारे जो सर्वेयर हैं उन्होंने 19 साल में पर आवर का डाटा कलेक्ट किया, जिसमें उन्होंने हाई टाइड और लो टाइड के बारे में देखा और जो उनका एवरेज लिया उसको एक तरह से मीन सी लेवल जो है बताया। ठीक है। यस सर। तो आपने आज आरएल के बारे में पढ़ा, तो आरएल क्या होता है? आरएल रिड्यूस लेवल। ठीक है सर, ये एक अननोन हमारा बेंचमार्क होता है। कैसे इसको अगर डेफिनेशन के तौर पे जाने तो आरएल कैसे जाने? सर, इट इज द, नहीं डायरेक्ट बोल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप ये थे बताएं कि अगर हम आरएल को समझाना चाहें तो कैसे समझाएं? सर, ये एक वर्टिकल डिस्टेंस होती है बिटवीन द अर्थ सरफेस एंड मीन सी लेवल। मतलब मीन सी लेवल से लेके अर्थ सरफेस से बोलना है ना, मीन सी लेवल से अर्थ सरफेस तक का जो एक डिस्टेंस होती है, वर्टिकल डिस्टेंस होती है, उसको हम लोग रिड्यूस लेवल बोलते हैं। yes, अगर हमारा आरएल नोन है तो उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बेंचमार्क बोलेंगे। बेंचमार्क बोलेंगे। उसके बाद आपने आज क्या पढ़ा? उसके बाद सर फोर साइड, बैक साइड और इंटरमीडिएट साइड। क्या होता है बैक साइड, फोर साइड? बैक साइड सर जो हमारी फर्स्ट रीडिंग होती है। कहां लेते हैं हम लोग फर्स्ट रीडिंग? जो हमारे बेंचमार्क को जो लेते हैं, जो बेंचमार्क प्रोवाइड होता है, प्रोवाइड जो स्टाफ रखते हैं और पहली रीडिंग लेते हैं, बैक साइड। यस सर। और फोर साइड क्या होती है? जो फोर साइड होती है वो हमारी लास्ट रीडिंग होती है, लास्ट रीडिंग। यस सर। तो आपने यहाँ ऑटो लेवल के बारे में पढ़ा, तो मैं आपसे कुछ पार्ट्स का नाम पूछूंगा। सबसे पहले आप ये बताओ, पार्ट्स के नाम जानने से पहले मैं जानूंगा कि अगर इसको सेट करना है तो किस किस प्रोसीजर का ध्यान रखना होता है? सर, सबसे पहले हमें जो ये ट्राइपॉड स्टैंड है, पहले हमें उनके जो तीनों लेग हैं उनको बराबर करके इस तरह से सेट करना होता है। क्या ध्यान रखना होता है ट्राइपॉड स्टैंड को सेट करने के लिए? जो हमारा ट्राइपॉड है, ट्राइपॉड स्टैंड है, वो हमारा चेस्ट के हाइट का होना चाहिए। मतलब आपकी जो सेट होनी चाहिए चेस्ट की हाइट तक सेट होनी चाहिए। यस सर। उसके बाद, फिर उसके बाद इसकी जो ट्राइपॉड स्टैंड की बेस प्लेट है वो हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए। कैसे चेक करेंगे कि हॉरिजॉन्टल है? सर, उसका पता हम जैसे पैन को रख कर ऐसे तीनों तरफ, तीनों कोनों में पैन रख कर अगर वो मूव करता है तो इसका मतलब है कि एक तरफ से वो बढ़। ठीक है, और कैसे? और दूसरा हम ऐसे ऐसे देख के इसके लेवल को पता मतलब कर सकते हैं, थोड़ा सा झुक के देख सकते हैं कि हाँ हमारा जो है इस, ये बेस प्लेट जो है वो हॉरिजॉन्टल है कि नहीं। ये बताओ, जो ऑटो लेवल है इसके पार्ट्स का नाम मैं पूछूंगा, इसको क्या बोलते हैं? इसको सर पेंटा मिरर बोलते हैं। क्या बेसिकली क्या यूज है इस पेंटा मिरर का? इसका सर जैसे कोई जो हमारा सर्वेयर है वो उसकी हाइट अगर छोटी है तो वो इस जो ये पेंटामीटर की मदद से, पेंटामीटर की मदद से इस बबल को, ट्यूब को देख सकता है आसानी से, मतलब लेबलिंग बबल्स को देख सकता है। अच्छा, ये वाली जो है तीन, ये जो स्क्रू दी है इसको क्या बोलते हैं? ये सर लेबलिंग स्क्रू होते हैं। लेबलिंग स्क्रू होती है। यस सर। तो आज की क्लास में, आज आपका पहला दिन था, जो भी समझाया गया बिल्कुल अच्छे से समझ में आया? यस सर। अगर आपको कहीं भी साइड पे दिया जाएगा कोई भी चीज़ तो अच्छे से बता सकते हो? यस सर, अच्छे से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अपने दूसरे इंजीनियर के साथ। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम अश्विन ठाकुर है और मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। सर, मैं सिविल गुरु जी मोहाली ब्रांच से ऑफलाइन ट्रेनिंग ले रहा हूँ सर। ओके, आज का क्लास आपका सर्वेइंग का था,
तो आप सर्वेइंग के क्लास में आज क्या क्या सीखा सर? सबसे पहले हमने आज थ्योरेटिकल पढ़ा सर, सर्वे के बारे में सीखा सर, सर्वे के सर्वे मतलब किसके लिए किया जाता है, मेन सी लेवल के बारे में पढ़ा सर। ठीक है, और क्या होता है मेन सी लेवल सर? मेन सी लेवल सर्वेयर ने सर 19 सालों को डाटा कलेक्ट किया होता है सर पर आवर के हिसाब से। तो सर जिसमें सर हाई टाइड और लो टाइड होती है सर, उनकी मीन निकाली जाती है, जो मीन सी लेवल मतलब उनकी एवरेज निकाली जाती है वो हमारी मीन सी लेवल। हाँ जी सर। इसके अंदर आपने आरएल के बारे में पढ़ा होगा, तो आरएल क्या होता है सर? जो मीन सी लेवल से जो सरफेस ऑफ द अर्थ की जो वर्टिकल डिस्टेंस है सर, उसे आरएल कहते हैं। आरएल कहते हैं। आप यहां से मैं कुछ चीजें पूछूंगा, आप यहां पे ऑटो लेवल के पास आइए। हाँ जी सर। ये जो पार्ट है, इस पार्ट को क्या बोलते सर? आईपीएस बोलते हैं सर। क्या करते हैं इससे सर? इससे हम मतलब रीडिंग, स्टाफ की रीडिंग लेते हैं सर। स्टाफ की रीडिंग लेते हैं, ठीक है। और ये क्या है अपना? इसको सर ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। इससे क्या काम होता है बेसिकली? ये ऑब्जेक्टिव ग्लास है और इससे सर हम ऑब्जेक्टिव को मतलब किसी ऑब्जेक्टिव स्टाफ को देखते हैं सर। मतलब जो स्टाफ आप रीडिंग ले रहे हो उसको देखते हैं। यहाँ पे देखो ये पे एक ये छोटी सी चीज है, दोनों तरफ मुंह बोले, इसको क्या बोलते हैं? इसको फाइन मोशन नॉब बोलते हैं। फाइन मोशन नॉब। आप यहाँ पे दिखाइए, यहाँ पे जो इनका बबल्स है, ठीक है, यहाँ पे मैंने ये बबल्स को हटा दिया। अब आप इसको क्या सेंटर में ला सकते हैं क्या? जी सर। थोड़ा दिखाइए किस तरीके से सेंटर में लाते हैं इसको। सबसे पहले किस बातों का ध्यान रखना होता है? इसको दो स्क्रू के बीच में बिल्कुल पैरेलल करते हैं सर। ठीक है, मतलब ये जो अपने दो स्क्रू है उसके बीच में इसको पैरेलल कर दिए। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद सर ये जो दो स्क्रू होते हैं सर, इनको एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज इन्हें रोटेशन किया जाता है। दोनों को एक साथ मूव करना होता है, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, आप थोड़ा यहाँ पे सेट करके दिखाइए इसको सर। जैसे ये है, फिर सर ये जो एक थर्ड स्क्रू होता है सर, इसके थ्रू थोड़ा सा सर इसे लाया जाता है सर। जैसे ये आ गया सर। चलिए देखिए, ये बिल्कुल आसानी से हो गया। ठीक है, मतलब ये दो स्क्रू का काम होता है कि अपने एक डायरेक्शन में लाना होता है। ठीक है, उसके बाद अपने को इस जो थर्ड वाली स्क्रू है उससे कि जो वाटर बबल्स है उसको अंदर लेके आते हैं, उसके बाद सेट करते हैं। तो देखिए हमारे इंजीनियर ने कितने बिल्कुल आसानी से दिखाई है यहाँ पे, बहुत ही मात्र 4 से 5 सेकंड में उन्होंने बबल्स को सेट करके दिखा दिया। चलिए, तो आप यहाँ पे बताइएगा कि अपना जो ट्राइपॉड स्टैंड है उसको सेट करने के लिए सबसे बेसिक क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? सर सबसे पहले सर हमें जो सरफेस होता है वो देखना पड़ता है सर, प्लेन सरफेस होना चाहिए सर। उसके बाद जब हम ट्राइपॉड को सर उनकी जो ट्राइपॉड्स के लेग्स है सर, उनके स्क्रू को खोल के उन्हें बराबर तरीके से देखना पड़ता है सर। और फिर सर इसे मतलब वहाँ पे जब इसे हम लगा देते हैं तो सर इसका जो ये प्लेट होती है सर, इसे क्या होता है जब ये ट्राइपॉड की लेग्स जब हम पूरी अच्छे से खोल देते हैं तो सर फिर इसका हमें देखना पड़ता है, हमें अपने चेस्ट लेवल तक ये जो ट्राइपॉड की जो प्लेट है वो लानी होती है सर। ठीक है, फिर उसके बाद सर हम इसमें पैन लगा के देखते हैं कि ये हमारे बिल्कुल पैरेलल हॉरिजॉन्टल है नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास में जो भी आपको समझाया गया बिल्कुल अच्छे से समझ सर, आपको कहीं भी साइड पे दिया जाएगा बिल्कुल सर, बिल्कुल अच्छे से समझा बिल्कुल सर अच्छे से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम मेराज अहमद है। ओके, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं सिविल गुरु जी मोहाली में ऑफलाइन ट्रेनिंग के लिए क्लास ज्वाइन किया हूँ। ठीक है, आपके इंजीनियर ने तो सारी चीजें बता दी, मैं आपको स्टाफ के बारे में कुछ चीजें पूछूंगा। आप ये बताओ कि अगर हम इसकी रीडिंग देखना हुआ इसकी, सबसे पहले ये बताओ बना क्या चीज का होता है, इसका फ्रेम किस सर? ये अल्मोनियम का बना होता है। इसको लोहा और लकड़ी का क्यों नहीं बना? लोहा लकड़ी का इसलिए नहीं बना सक मतलब बनाते हैं कि जैसे सर अगर लकड़ी का रहेगा, अगर पानी में भीग जाएगा तो सर उसका जो होता है एक्सपैंड हो सकता है ना, सड़ जाने की वजह से क्या सड़ भी सकता है, वो रीडिंग एक्सपैंड हो जाती है जिसकी वजह से रीडिंग सही नहीं आती। ठीक है, और अगर लोहा का बनाए तो? लोहे का हो सर, उसमें तो जंग लग सकता है, जंग लग जाता है, रस्ट लग जाता है। अगर मैं आपसे रीडिंग यहाँ पूछूं तो आप बता सकते हो? जी सर। चलो ठीक है, अगर मैं पूछूं आपसे कि ये इस कितनी रीडिंग पे आई है, ये थर्ड नंबर ब्लैक जो है, थोड़ा पास आ जाइएगा सर। पहले तो देखिए हमें देखना चाहिए कि इसके पास ये 150 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये एक 10 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, पहले 5 सेंटीमीटर का बताइए, डिस्काउंट कितना होता है? 5 mm होता है। 5 mm होता है, तो 5 पहले बताइए कैसे है? सर ये 5 हुआ, ये वाइट जो है ये 5 हुआ, इसके ये ब्लैक 5 हुआ। ठीक है, तो ये यहाँ 10 हो गया। ठीक है, फिर ये 10-20 और ये 30 हो गया। तो कितना पड़ेंगे? 1530 mm में बोले तो 1.530 मतलब हमारा लिस्ट काउंट होता है 5 mm का, तो ये 5, 10, 15, 20, 25, 30 तो यहाँ तक पूछा था, तो ये 150 सेंटीमीटर और ये 30 mm। ठीक है, तो अगर इसको mm में बदलेंगे तो 1500 mm और ये 30 mm, तो कितना हो गया? 1530 mm। अगर मीटर में पूछूँ तो 1.530। ठीक है, तो आपको बिल्कुल रीडिंग पढ़ने में आसानी से पढ़ ले रहे हो? जी सर। चलिए, आपको अगर साइड पे कहीं भी दिया जाएगा कि कैसे स्टाफ लेके खड़ा कर दिया आपको और आपसे पूछे कि कैसे रीडिंग कितना होगा तो आप बता दोगे? जी सर बिल्कुल। ऑटो लेवल से रीडिंग लेना सीख गए अच्छे जी से? सर, सीख गए। बिल्कुल अच्छे से समझ में आज की क्लास जी में सर, बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने देखा हमारे इंजीनियर ने कितने बिल्कुल आसानी से ऑटो लेवल को सेट करके दिखा दिया, बबल्स को उनको सेट करके दिखा दिया, स्टाफ की रीडिंग पढ़ना अच्छे से सीख गए, सर्वेइंग के बारे में पूरा जाना, मीन सी लेवल, रिड्यूस लेवल, हर चीज को आज पहले ही क्लास में इतना चीज
जान गया है। अगर आप भी इसी तरीके से ऑफलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डैशबोर्ड नंबर 9111001234 पर कॉल कर सकते हैं और आप अपने नज़दीकी क्षेत्र में एडमिशन के लिए इंक्वायरी कर सकते हैं। हमारे पूरे सिविल गुरुजी 17 राज्य में खुले हुए हैं, तो आप कहीं भी अपना नज़दीकी क्षेत्र में एडमिशन ले सकते हैं। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ मोहाली में, तो अगर आप मोहाली के आसपास जैसे हिमाचल प्रदेश से हैं या फिर जम्मू एंड कश्मीर से हैं या फिर हरियाणा से हैं, दिल्ली से भी हैं अगर, या पंजाब से हैं, तो आप यहाँ पर आके एडमिशन ले सकते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।